News 18, India. अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि JMM की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हम पर हावी क्यों हो रही। तो आज जब मुलाकात होने वाली है चंपई सोरेन और मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्या इन तमाम मुद्दों पर बातचीत संभव है? बिल्कुल, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक दल के बड़े नेता आपस में मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा की सीट पर तो चर्चा होगी ही, इसके साथ साथ झारखंड में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होगी। ये मौजूदा स्थिति पर चर्चा इस वजह से होगी क्योंकि झारखंड के पार्टियों के बीच जो भी आंतरिक कलह बन रही है उसकी जड़ें कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस इस वजह से क्योंकि 12 विधायक तो कांग्रेस के नाराज चल ही रहे हैं, बैद्यनाथ राम भी इस वजह से नाराज, यानी JMM के जो विधायक हैं वो भी इस वजह से नाराज हैं क्योंकि उनका भी आरोप है कि कांग्रेस के वजह से ही हमारे जो कोटे के हमारा जो पक्ष था, यानी हमें जो मंत्रिमंडल मिलना था वो कांग्रेस के कहने पर काटा गया। तो अब देखना होगा जब आज चंपई सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं तो उस दौरान क्या कुछ होता है। इसके अलावे जब हम बात करते हैं सभी 12 विधायकों की, तो 12 विधायकों को बातचीत करने के लिए उमंग श्रृंगार को वहां ऑब्जर्वर बनाया गया है, यानी दिल्ली में उमंग श्रृंगार ऑब्जर्वर के तौर पर होंगे और सभी 12 विधायक, यानी 8 विधायक जो अभी गए हुए हैं, अगर 4 आज जाते हैं तो वो 12 संख्या होती है, और सभी वहां उमंग श्रृंगार उनसे बातचीत करेंगे। और उमंग श्रृंगार को अगर ऑब्जर्वर बनाया गया है तो निश्चित रूप से वो मंत्रियों के काम का भी आकलन करेंगे। तो अब देखना होगा कि उमंग श्रृंगार इस पूरे मामले को किस तरीके से आलाकमान के पास परोसते हैं, क्या 12 जो विधायक नाराज हैं उन्हें उनके पक्ष में कुछ मिलता है, या फिर जो पूर्व में मंत्री बन चुके हैं उनका मंत्री पद रह जाता है। अगर मंत्री पद रह जाता है तो अगला कदम इन सभी 12 विधायकों का क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आने वाला 24 घंटा झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा हो सकता है, बड़ा इस लिहाज से। अगर ये लड़ाई या नाराजगी मंत्री पद को लेकर है तो क्या इसकी संभावना बहुत ज्यादा आपको दिखाई देती है कि जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं उन्हें फिर इधर उधर किया जाए, और अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या ठोस फॉर्मूला हो सकता है जिससे इनकी नाराजगी को कम किया जा सके? और खासकर अभी तो क्योंकि आपसे थोड़े समय के बाद विधानसभा का भी चुनाव होना है कि जिस तरीके से झारखंड की स्थिति है, अब सिर्फ 6 महीने का वक्त है, यानी जो भी मंत्री पद पर बैठे हैं उन्हें 6 महीने का ही समय अब है, वो 6 महीने तक ही अपना मंत्रालय चलाएंगे। लेकिन इस 6 महीने के दौरान इस तरीके का कलह अगर झारखंड की राजनीति में होता है तो निश्चित रूप से इसका असर सबसे पहले तो लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होना है उससे पहले अगर 12 विधायक नाराज रहते हैं, और सभी 12 विधायकों ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा का सत्र 23 तारीख से शुरू होने वाला है, अगर उस तारीख तक उनकी बात नहीं मानी गई तो वो विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। और अगर वो विधानसभा नहीं, नीरज भी हमारे साथ बने हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए जो 12 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आ रही है, ये कोशिश है कि मना लिया जाएगा, उनको आलाकमान से मुलाकात भी होने वाली है, लेकिन अगर ये 12 विधायक बागी हो जाते हैं तो सरकार आपत में चली जाएगी, फिर क्या होगा झारखंड में, जरा ये भी दर्शकों को बताइए, क्या क्या कुछ संभावनाएं वहां बनती दिखाई देती है? देखिए, अगर ये लोग चले जाते, इस तरह का फैसला अभी नहीं लिया, और जो बयानों से भी साफ है, चाहे जितने भी विधायक दिल्ली पहुंचे उनके बयानों से साफ है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, आपने कहा कि ठोस आश्वासन क्या दिया जा सकता है, मंत्रियों को बदला जाएगा, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल कम है। नए चेहरे को अब मौका दिया जाएगा क्योंकि इससे पार्टी की किरकिरी होगी प्रदेश में भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। लेकिन ठोस आश्वासन इस तौर पे जरूर विधायकों को दिया जा सकता है कि आप आने वाला विधानसभा चुनाव लड़िए, उसमें अगर आप जीत कर आते हैं तो आपको मंत्री बनाया जाएगा, इस तरह का आश्वासन मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जा सकता है। दूसरी अहम बात कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ लोगों की अगर आकांक्षा होगी कि वो लोकसभा चुनाव में उतरे तो इस तरह का भी ऑफर दिया जा सकता है, तो ऑफर पार्टी आलाकमान की तरफ से कई दिए जा सकते हैं। लेकिन जो 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाए गए हैं उनको बदला जाएगा पार्टी विधायकों के दबाव में, इस बात की गुंजाइश मुझे कम लगती है। लेकिन हाँ, एक बार अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लेंगे तो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो प्रकट हो जाएगी शीर्ष नेतृत्व के सामने, और वहां से जो आश्वासन मिलेगा उससे ये नाराजगी शांत जरूर हो सकती है। लेकिन अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो आने वाले वक्त में ये विधायक कोई रुख ले सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में दूसरी पार्टियों में जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ लौटेंगे आपके पास इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से है, जहां झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की नाराजगी से इनकार कर दिया है। राजेश ठाकुर ने यह कह दिया है कि विधायक अपने नेतृत्व से सिर्फ बात करना चाहते हैं।
नहीं वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है, उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। और चंपाई सोरेन कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम में भी बगावती सुर फूटते दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद से आखिरी वक्त में बाहर किए गए जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने साफ कर दिया है कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कमजोर साबित हुए हैं और कांग्रेस के दबाव के आगे झुक गए हैं। जेएमएम विधायक ने आगे ये भी कहा कि वो जल्द विधायकी छोड़ेंगे और कोई बड़ा फैसला लेंगे। चंपाई सोरेन कैबिनेट में विस्तार के समय जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो नाम था बैद्यनाथ राम का। नाराज बताए जा रहे हैं, खुद को अपमानजनित ही महसूस कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे, बोले कि आखिरी समय तक आपका नाम था, फिर कट कैसे गया? मैं खुद हर प्रभु इस बात को लेकर कि जब मैं घर से निकल चुका था राजभवन जाने के लिए और इस समय मेरे मन में एक बात चल रही थी कि गुरु जी से मिलते हुए जाएंगे, उसी बीच अचानक से रास्ते में फोन आया सुप्रिया का कि आप सीएम हो, सही है, कुछ परिस्थिति बदली है। मैंने मुख्यमंत्री से सीधा पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है, बताएं आप। तो उन्होंने जो कुछ बताया उसका लबोलवाब यही था कि कांग्रेस के दबाव में ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। मैंने कहा कांग्रेस के दबाव में जेएमएम क्यों, आखिर जेएमएम का मुख्यमंत्री इतना कमजोर क्यों हो जाएगा कि उसे कांग्रेस के दबाव में आके अपने मंत्रिपरिषद से सदस्य को वापस लेना होगा। तो ये मैंने विरोध अपना जता दिया है। उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है, इसका दूरगामी परिणाम होगा। ये 12वां मंत्री जो था कहीं वो पेंच तो नहीं आया? तो 12वां मंत्री भी हो तो मैं 12वां क्यों? मेरे कहने का मतलब है कल तीन लोगों ने शपथ, दो लोगों ने, नए लोगों ने शपथ लिया तो मैं ही 13वां। और एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस में मची कलह पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने यह कहा है कि 12 कांग्रेस के विधायक झारखंड को लूटने के लिए मंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है कि चंपाई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आप झारखंड भवन में है, नाराज कांग्रेस के 8 विधायक भी दिल्ली पहुंच गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप लोग यहाँ क्यों मौजूद है, उससे सियासत से जुड़ा हुआ कोई मसला है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं करती। हम राजनीति करते हैं समाज बनाने के लिए, देश बनाने के लिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आए थे, हमारे सारे विधायक हैं, लेकिन जो कांग्रेस का जो नया घटनाक्रम है वो उनके अंतर कलह का परिणाम है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बात आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे चोरों का जमावड़ा है जो इंडी गठबंधन झारखंड में है, लुटेरों का, डकैतों का, भ्रष्टाचारियों का। अब उनके एक मुख्यमंत्री जेल चले गए हेमंत सोरेन जी, उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं आई। ये 7-8 महीने में